Hey guys, welcome back to my new video. तो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो यार आप लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा यार हमने ना डगर बॉस को पकड़ा था, बट वो डगर बॉस रियल नहीं था, फेक था, मतलब प्लास्टिक सर्जरी वाला. जब हमने उससे पूछताछ की ना तो वो कह रहा था कि यार जो रियल डगर बॉस है वो चाहता था कि अपनी फेक डेथ करवाए माइकल के सामने, फिर माइकल ना उसको कुछ कर ना सके, बट हमने उसको पकड़ लिया एंड वो ना प्लास्टिक सर्जरी वाला डगन बॉस निकला. बट गाइस फिर हमने उसको ना मार दिया. फिर हम लोग जैसे इंटरव्यू में जाते हैं ना भाई, हमारे पे हमला हो जाता है, मार्टिन के कुछ बंदे आते हैं एंड ना भाई साहब हमको भाई खतरनाक वाले फाइट हो जाती है एंड भाई बहुत कुछ होता है. और फिर उसके बाद मैं वैसे इंटरव्यू में पहुँचता हूँ ना, जो मुझे प्रेसिडेंट ने बुलाया था, मैंने उसकी जान कैसे बचाई, फिर उसकी मैं जान कैसे बचाई, फिर मैं बोलता हूँ, फिर मुझे ना प्रेसिडेंट ले जाता है अपनी सिक्योरिटी दिखाने के लिए, मतलब AI वाली सिक्योरिटी, मतलब इतनी खतरनाक वाली सिक्योरिटी ना भाई साहब क्या ही बोलूँ. फिर मुझे AI सिक्योरिटी फाइनली मिल जाती है. फिर क्या गाइस, फिर मुझे जैसे ही AI सिक्योरिटी मिल जाती है ना, तो यार फिर मेरा प्लान यही था कि यार जो अपना प्लेवे मैंशन है ना, जो कि मार्टिन ने कब्जा किया था, तो वो अपने को फिर से वापस लेना है. तो फिर मैं अपनी AI सिक्योरिटी की हेल्प से ना भाई उसकी पूरे जो भी मैंशन में जितने भी लोग थे भाई, जितनी भी उसकी सिक्योरिटी थी ना भाई, भाई सबको ही मार दिया, मतलब ख़त्म कर दिया. तो यार अभी हम लोग आगे देखने वाले, अब आगे क्या होने वाला है. इस वीडियो का लाइक टारगेट है भाई 1.5 के लाइक्स का, जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना. सो यार चलो यार, मैंने देखो इन लोग को ना पकड़ के रखा है एंड ये देख रहे हो इनको मैं इतना मार रहा हूँ, मतलब रेड निंजा ने इसको ना पकड़ के रखा है, मतलब ये बहुत बढ़िया वाला काम किया रेड निंजा ने. इसके हेल्प से ना हमको मार्टिन की जो लोकेशन है वो पता चल जाएगी. वैसे हमको पता है मार्टिन जो है ना, ये भाई बंदा YCT का बंदा है, मतलब अभी YCT में पता है हमको, बट इसकी जो सारी लोकेशन है ना इनको पता होगी, मतलब ये लॉस सेंटोस में अभी कहाँ पर है, मतलब ये रोज तो YCT जाएगा नहीं, तो अभी ये बंदा कहाँ पे है, मतलब किधर रहता है, तो मैं इनको मार मार के ना भाई पूछ रहा हूँ. अभी तक ये मुंह खोल नहीं रहे, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मुझे ना अभी स्टेक होना पड़ेगा. ये देख रहे हो भाई साथ ही कर रहे हैं. तो चलो यार इनको ना भाई पिटाई करते हैं एंड इनको दिखाते हैं कि माइकल है को. ये अभी भी मुँह खोल नहीं रहा है, लग रहा है ना मुझे किसी एक को मारना पड़ेगा, फिर मार्टिन जो है ना भाई इसका गेम ओवर करना है जल्द से जल्द. अभी अपने पास AI सिक्योरिटी तो आ चुकी है, मतलब अपने पास टोटल 2 AI सिक्योरिटी गार्ड्स है भाई. एक ही आपको पता है, सिर्फ एक ही बंदा ना भाई 100 पे काफ़ी है, तो ये इतनी पावरफुल सिक्योरिटी मैंने सोची नहीं थी. बट चलो यार ये देख रहे हो साले को इतना मारा है ना भाई, पेट देख रहे हो कैसे कर रहा है भाई. अभी भी मुँह नहीं खोलेगा क्या भाई? चल कोई बात नहीं, तू मुँह मत खोल, बट दूसरा वाला जो बंदा है ना उसकी फटी पड़ी है, तो ये बंदा अपना मुँह नहीं खोल रहा था. एक काम करता हूँ इसको ना मैं मार ही देता हूँ. एक सेकंड इधर आ जा बेटे, साले तेरे को ना अभी दिखाई देता हूँ. अभी दूसरा जो वाला बंदा है ना उसकी बहुत फटी पड़ी है, ये अभी भी मुंह नहीं खोल रहा है, लग रहा है इसको ना गेम ओवर करना पड़ेगा. चल भाई अब ना भाई ये साला अभी कभी मुझे नहीं लग रहा है बच पाएगा, मतलब मुंह खोलेगा भाई. अरे बस कर यार निंजा, तू क्यों मार रहा है उसको, वो तो पहले ही मर चुका है. एंड रेड निंजा भी अपने ना भाई हाथ धो रहा है चलती गंगा में. चलो यार इसका ना गेम ओवर चुका है एंड देख रहे मैंने बोला था ना उसकी फट चुकी है. और ये देखो भाई अब तो ये मुँह तो खोल के रहेगा. चल जल्दी से बताओ भाई कहाँ पर है मार्टिन और डगन बॉस की लोकेशन बता दे एंड फटाफट से, वरना तेरा भी यही हाल होगा. तो यार इसको फाइनली मैं पूछ लेता हूँ एंड देखते हैं क्या सीन है, मुझे लोकेशन ये बताता है कि नहीं. सो लेट्स गो. सो ऑल राइट गाइस, ये ना मुझे लोकेशन बता रहा है एंड ये कह रहा है कि चलो मैं खुद तुम्हें लेके जाऊँगा वहाँ पर. यार चल भाई तू खुद लेके जा रहा है ना भाई, ये बोल रहा है कि देखो मुझे लोकेशन तो पता है. मैं बोला उसको चल भाई ठीक है लोकेशन तो पता है, बट तू भी मेरे साथ चलेगा, मतलब वो खुद आ ही रहा था, वैसे मैं उसको ले जाने वाला था, बट अगर ये कुछ भी गड़बड़ करता है ना उसको हम लोग गाड़ी में मारने वाले. तो फटाफट से उसको गाड़ी में बिठाते हैं एंड देखते हैं ये बंदा ना भाई कुछ स्कैम ना करते. और वैसे भी यार ये जो डगन बॉस है ना, अभी डगन बॉस का भी गेम ओवर करना पड़ेगा. ये मार्टिन और डगन बॉस मिले हुए इस, मतलब ये मार्टिन का जो बंदा है ना भाई, मतलब भाई खतरनाक है भाई, ये बंदा डगन से भी खतरनाक निकला. मैंने सोचा नहीं था कि यार ये बंदा इतना खतरनाक होगा, बट यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ना पावरफुल निकला है. एंड एक सेकंड, ये लोग यार ये लोग ना बार बार आ जाते हैं इसे रोज़ रोज़ मेरे घर पे, मतलब फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है यार अभी ना माइकल ये जो है बंदा है अभी फेमस हो चुका है, मतलब मैंने प्रेसिडेंट की जान क्या बचा ली यार, ये तो मेरे हाथों मतलब पीछे पड़ गए यार, मतलब मेरा इतने इंटरव्यू हो रहे हैं ना, आपने देखा ये पिछले इंटरव्यू में गया था यार, मतलब इतने सारे लोग थे ना भाई साहब. अब ये देखो ये फिर से आ चुके हैं यार. अभी ना गाइस लग रहा है मुझे पॉलिटिशियन ज्वाइन करनी पड़ेगी गाइस. ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप भी ना पार्टी ज्वाइन कर लो, बट यार गाइस अभी जो प्रेसिडेंट का जो बंदा है ना भाई, जो अपना प्रेसिडेंट है भाई, मुझे लग नहीं रहा वो चांस देने वाला है. तो यार ये तो सही कह रहे हो आप, पॉलिटिशियन ज्वाइन कर लो. अगर हम लोग पॉलिटिशियन ज्वाइन कर लेंगे ना भाई, तो यार हमारे पास पावर्स भी आ जाएंगे एंड पुलिस भी हमारे कंट्रोल में रहेंगी. बट चलो यार वो तो अभी देखने वाली बात है, अभी क्या होता है आगे जाके.
अभी प्रेसिडेंट मुझे लग नहीं रहा वो अपनी मतलब वो अपनी कुर्सी क्यों देगा मुझे। तो चलो यार अभी हमारे ना हमने इसको अंदर बिठा दिया है पीछे वाली गाड़ी में। और भाई देखते हैं ना मुझे कहाँ लेके जा रहा है। एक सेकंड, ये फायर विकेट कहाँ जा रही है भाई? लॉस एंजेलस में ज़्यादा ही ना भाई खतरनाक वाले चीज़ें हो रहे हैं। अभी चलो यार अभी प्रेसिडेंट गाइस देखेंगे हम लोग। प्रेसिडेंट हमको फ़ोन करने वाला था आज, पता नहीं आज किया नहीं, बोल रहा था कुछ काम था, बट चलो कोई बात नहीं अभी ना हम लोग सीधा निकल जाते हैं। एक सेकंड भाई, कोई चिल्ला रहा है हेल्प बोलते। क्या हो गया भाई, इसकी गाड़ी चोरी कर ली क्या? एक सेकंड भाई, अच्छे वाले काम करेंगे ना, समझ रहे हो? इसको ना भाई मैंने डिटा दिया। चल भाई तू गया भाई, चोरी कर रहा है भाई, देख रहे हो भाई साहब? भाई खुलेआम चोरी हो रही है। तो ऐसे काम हम लोग करेंगे ना तो हमारी पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी लॉस सैंटोस में, एंड भाई हमारे इंटरव्यू तो होते रहेंगे। और गाइस हम लोग फिर ना गाइस लग रहा है भाई हम लोग आसानी से भाई वोटिंग जीत सकते हैं। मतलब भाई इतने बड़े बड़े काम कर रहा हो ना भाई, ऐसे वाले देख रहे हो? ये तो छोटा काम था भाई। चल भाई तेरी ले ले फटाफट तेरी बाइक। ऐसे कैसे चोरी कर रहा है भाई? भाई इसको ना मैंने गाड़ी दे दी है, मतलब भाई गाड़ी चोरी हो गई थी बंदे की। यार चलो देखो ऐसे छोटे छोटे काम करने से ना भाई देखो वीडियो मतलब जो होती है ना गाइस, मतलब क्या ही बोले, मतलब फेमस हो जाता है। एंड इसने मेरी वीडियो भी बनाती है, लग रहा है ना ये मीडिया मतलब जो है ना सोशल मीडिया पे डालेंगे और मेरा नाम और बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो है ना अपनी फेमस हो जाएंगे और मैं सोच रहा हूँ गाइस, बट चलो कोई बात नहीं, फटाफट से हमको निकलना पड़ेगा। ये जो बंदा लोकेशन बता रहा है ना भाई देख के, वरना कोई स्कैम ना हो जाए, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। ये बंदा भाई हमको फंसाना दे यार। तो मुझे कोई ना, चल यार रेंट जाए, फटाक से बैठ जा यार, जल्दी से बैठ जा रेड निंजा भाई, जल्दी से बैठ जा भाई रेड निंजा गाइस खतरनाक है। ये देख रहे हो उसके साथ मैं प्रैंक कर रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। एंड ना भाई फटाफट से इधर से निकलते हैं और आपको मिलते हैं हमारी लोकेशन, मतलब जो ये लोकेशन बताता है ना भाई, कह रहा है कि आगे ये लोकेशन मुझे पता है। सो चलो यार फटाफट से भाई निकलते हैं और क्या सीन है एंड कौन सी लोकेशन है एंड किधर बैठा मार्टिन देखते हैं। ऑल राइट गाइस, हम लोग ना आ चुके हैं इधर लोकेशन पे। एंड ये बंदा इतने दूर लेके आ गया ना भाई साहब, मतलब क्या ही बोलूँ। एंड भाई कितना गाड़ी रुकाएंगे भाई? चलो यार लग रहा है फाइनली उन्होंने गाड़ी रुका दिया आराम से भाई, पीछे ना गिर जाए। लग रहा है यहाँ पर कौन सा मेंशन है भाई? यहाँ पर तो कोई मेंशन ही नहीं है भाई, यहाँ पर तो सब्जी का ठेला रखा है। एक सेकंड उतर के देखता हूँ भाई क्या सीन है। एक सेकंड भाई उतर जा फटाफट से भाई, उतारो भाई गाड़ी को, उतारो उसको जल्दी से, अगर झूठ बोलता है ना भाई सर पे गोली मार दूंगा उसके। यहाँ पर ही भाई क्या सीन है भाई, यहाँ पर ही है क्या भाई? ये कह रहा है कि देखो सामने जो मेंशन दिख रहा है ना वही है भाई मार्टिन का, मतलब वो इधर ही किराए से रहता है। यार ये तो भाई किराए से रहता है, चलो ठीक है भाई। उसका खुद का घर नहीं है क्या भाई? ये कह रहा है भाई देखो खुद का घर तो नहीं है भाई, खुद का घर होता ना साले का भाई कब्जा कर लेते भाई साहब। यहाँ पर मुझे पहले देखना पड़ेगा, ये वाला मेंशन तो मैंने देख रखा है, बट अभी यहाँ इसमें मार्टिन रह रहा है क्या? मतलब ये पहले ना भाई खाली था पूरा मेंशन, बट चलो यार ये तो यहाँ पर ये रह रहा है, मतलब ठीक है। मतलब ये रोज़ रोज़ वाई सी टी से जाने वाला तो नहीं है ना, बट ये वाला बढ़िया काम किया रेड निंजा ने, मतलब इसको किडनैप करके ना भाई बढ़िया वाला काम कर दिया है। सो यार चलो बहुत ही बढ़िया। तो रेड निंजा एक काम करते हैं, चलो भाई एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पर मेरी AI सिक्योरिटी को बुलाने एक काम कर दूंगा, बट इसको मैं पहले पूछता हूँ भाई, फाइनल पूछता हूँ भाई। देख अगर ये गलत रहा ना भाई, अगर ये गलत रहता है ना भाई तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा, वरना इसकी ना बैंड बजानी पड़ेंगे। तो चलो मैं ना फटाफट से गाइस कॉल कर लेता हूँ हमारी AI सिक्योरिटी को। ऑल राइट गाइस, हमने हमारी AI सिक्योरिटी को कॉल कर लिया एंड मतलब वो किसी भी समय आता होगा, मतलब वो रोबोट है गाइस, बड़ा वाला जैंट, मतलब रोबोट AI एक ही होता है गाइस, समझ रहे हो ना गाइस, ऑटोमेटिक काम करता है। सो यार देखो हम लोग इधर प्लान बनाते हैं रेड निंजा के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड रेड निंजा कह रहा है कि देखो पहले ना हम लोग AI सिक्योरिटी को आगे भेजते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं अंदर कुछ भी हो सकता है, कितने लोग हैं हमको नहीं पता। तो यार एक सेकंड, मैं पहले ना इस सब्जी वाले से पूछता हूँ। उधर आ जल्दी से, इधर आ जा। सुन भाई इधर कोई रहता है क्या? मतलब जो सामने वाले मैंशन जो दिख रहा है इसमें कितने लोग हैं भाई? ये कह रहा है कि यार भाई देखो सामने ना भाई खतरनाक वाले बंदे रहते हैं भाई, तुम उधर मत जाना, वहाँ पे ना भाई रोज़ फायरिंग की आवाज़ आती है, बला बला ऐसा कुछ भी होता रहता है, तो भाई तुम इधर से निकल जाओ, ये ना भाई खतरनाक वाला हाउस है। अरे भाई ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, खतरनाक वाला हाउस है तो क्या हो गया यार? भाई डरा रहा है भाई, इसको पता ही नहीं माइकल कौन है यार। चल भाई ठीक है भाई, देखते यार हमारा ना गाइस AI वाला रोबोट कब तक आता है, मतलब जो हमको प्रेसिडेंट ने दिया था भाई। ये वाली सिक्योरिटी ना भाई किसी के पास नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ, ये जो AI सिक्योरिटी ना ये सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट उन्हीं के कंट्रोल में होता है, मतलब कोई प्राइवेट वाली चीज़ ये बना नहीं सकता। सो यार हमको ये फाइनली मिल चुकी है, तो प्रेसिडेंट ने बोला हमको ना इसको सही तरीके से यूज़ करो, जो हमारे दुश्मन है ना उनके लिए यूज़ मत करना भाई, ज़्यादा पुलिस के सामने यूज़ मत करना, वरना भाई तुम्हारे पे केस हो सकता है।
सो यार चलो फाइनली मेरे पास AI सिक्योरिटी का रोबोट आ चुका है, तो मैं इसको कमांड देता हूँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। सो चलो ठीक है ना, इसको फटाफट से मैं दे देता हूँ कमांड और लग रहा है अपना काम धीरे से मतलब बढ़िया कर लेगा। सो चलो भाई फटाफट से इसको मैंने कमांड दे दिया है और ये अपना काम जल्द से जल्द करेगा प्रोसेसिंग में। और इसको भाई बोलता हूँ यार अगर कुछ गड़बड़ होती है ना भाई इसको ठोक देना। इसने हमें लोकेशन तो बता दी वैसे एंड ठीक है ना। सो देखते हैं अपना कब तक काम करता है। इसको भी ये मैंने बोल दिया स्टार्ट का ऑप्शन मतलब जो भी होता है ना कमांड वगैरह भाई सब तो दे दिया है उसको। चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, अभी देखना है ये कब तक अपना काम करता है। सो ऑल राइट गाइस, हमारा जो AI रोबोट है ना भाई वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है और भाई वो आगे जा रहा है। भाई मैं इधर दूर से देख रहा हूँ एंड भाई साहब चलो भाई आगे जा ही रहा है, मतलब इसकी स्पीड भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं, मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग खुद बैठ सकते हैं क्या पता नहीं, इसमें जगह तो बहुत नज़र आ रही है मेरे को। सो यार लग तो रहा है सामने ना भाई, देख रहा हूँ भाई फायरिंग शुरू कर दी इसने अचानक से भाई, उनकी तो फटके हाथ में आ गई बिल्कुल ही गाइस। यहाँ पे मार्टिन के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना भाई बहुत ही खतरनाक, वो भाई बंद के हवा में उड़ रहे हैं कसम से गाइस। भाई ये AI सिक्योरिटी OP यार, अगर आपको पसंद आ रही है ये वाली AI सिक्योरिटी तो यार चैट पे AI OP लिख देना फिर मुझे समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। भाई पूरे घर में फायरिंग कर रहे हो भाई, पूरा घर ना उड़ा दे भाई, ये घर हमको फोड़ना नहीं है, ये घर किराए वाला है वरना गाइस लोल हो जाए। वो बंदे इधर सिर्फ रहने के लिए आया है YCT से, तो उसका घर YCT में होगा, YCT में जाके आपको गाइस का वो करना पड़ेगा। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, लग रहा है ना ये अंदर तक फायरिंग कर रहा है। इसको हमने बोला तू जितना फायर कर सकता है ना उतना कर, उसको मैंने वो कमांड दिया है बस अंदर मत जाना घर के अंदर, अगर घर के अंदर तो वो ऐसे जा नहीं पाएगा जगह कम है। भाई लग रहा है इसने सारे बंदों को मार दिया है, अगर ऐसा हुआ ना भाई तो मजे हो जाएंगे फिर तो भाई हम लोग को डायरेक्ट। भाई इधर बस मार्टिन हो भाई, तो चलो यार इसका काम मैं ख़त्म करता हूँ। सॉरी भाई तेरे साथ प्रैंक हो गया भाई, इतने तो मेरे से है नहीं तेरे को जिंदा छोड़ेंगे तो भाई तू वैसे तो मरने वाला ही था, बट चल तू डरपोक निकला, तूने लोकेशन बता दी है, थोड़े देर के लिए जिंदा रह गया ये बंदा वरना वो कब का मर जाता। सो अभी मारना तो पड़ेगा ना यार वरना तो यार लोल हो जाएगा क्योंकि उससे। चलो ठीक है, तो हमारे यहाँ पे NSG सिक्योरिटी में हल्ला बोल दिया है भाई, कम ही लाया हूँ मैं ठीक है, वरना मैं 10-15 लाता हूँ 20-50 लाता हूँ, बट अभी अपने पास AI वाला गार्ड है ना तो अभी हमको गाइस कम सिक्योरिटी की ज़रूरत है मतलब समझ रहे। अभी डर अपना काम है, देख रहा हूँ अभी भी फायरिंग चल रही है भाई AI रोबोट की ये। अरे भाई आराम से भाई, इधर का मिसाइल छोड़ दिया भाई, खतरनाक वाला AI रोबोट है। मैंने इसको बोल दिया भाई तू इधर रुक जा ठीक है ना, अब आगे वाला काम हम लोग करेंगे क्योंकि अभी इसने सारे फायर के बंदे तो मार दिए, अब ये भाई अंदर तो जा नहीं सकता है। सो लेट्स गो भाई, NSG सिक्योरिटी एंड निंजा सिक्योरिटी, मतलब निंजा का एक ही बंदा है मतलब जो हेड है भाई। ये देख रहे इधर कहाँ से ये कहाँ थे भाई, इसकी भैंस की आग, चलो इनको भी गेम ओवर करते हैं भाई, किधर दिख ही नहीं रहे मुझे भाई, सबको मार दिया क्या भाई ये देखो। और इसने मेरे कार भी चुराए थे ये तो मैं भूल ही गया आप लोग को बोलना, इस बंदे ने मेरे जो अपना जो मानसन था ना भाई वो मानसन से देखो सारे के सारे इधर ला लिए थे भाई अपनी गाड़ी, मतलब अपने को मानसन तो मिल गया था बट अपने कार्स नहीं मिले थी, तो इस बंदे ने भाई इधर ला के रख दिए कार्स मेरे। चलो इसकी बैंड वैस साले की, ये लोग कहाँ गए भाई, कितने लोग हैं अंदर भी और है क्या भाई, मुझे लगा खत्म हो गए भाई। ये वाला मेंशन बढ़िया लग रहा है बट यार ये वाला मेंशन ना किराए वाला है यार, इसको हम लोग देख रहे हैं इसको खरीद लेंगे, आप लोग बोलना इसका जो भी ऑनर है ना इसको हम लोग खरीद लेंगे बट इस वाले सर में। चलो भाई एक सेकंड भाई, इनको बैंड बैठे साल हो ये लोग भाई, छपरी सिक्योरिटी तुम्हारी भाई हमारे AI के सामने भाई क्या टिक पाओगे भाई, जो वाली सिक्योरिटी लाना है ला लो भाई। एक सेकंड और भी है क्या कोई, एंड एक सेकंड मेरे को दिख नहीं रहा ये रहो भाई, मार की नहीं रहे तुम इनको मारो ना भाई, दिख ही नहीं रह गए सबको तो ये भाई कपड़ा और भाई देख रहे हो सारा का सारा सेम हो गया। चल तू भी ले ले, और कोई है क्या भाई, मार्टिन किधर गया, मार्टिन को ढूंढो जल्दी से। एक सेकंड यहाँ पे जगह है कि नहीं भाई, मुझे जगह ही नहीं मिल रही है गाइस। एक सेकंड यहाँ पे CD नाम की कोई चीज़ है कि नहीं भाई, यहाँ पर मुझे CD नज़र नहीं आ रही, ये इतना छोटा मेंशन है क्या भाई। एक सेकंड यहाँ पे CD क्यों नहीं है भाई, ऊपर जाएंगे कैसे यार, ये तो कुछ मेरे को स्कैम लग रहा है भाई, ये मेंशन है क्या है भाई। एक सेकंड ये नीचे क्या है गाइस, एक सेकंड चलो यहाँ पे कोई बंदा है क्या भाई, नीचे कुछ नज़र आ रहा है मुझे, एक सेकंड ये क्या है भाई, भाई यहाँ पे मेरे को इसने आवाज़ लगाई बढ़िया हो मुझे वरना पता भी नहीं चलता भाई। नीचे भी है क्या इसका मेंशन, वो भाई अंडरग्राउंड है ये वाला मेंशन भाई, ये सिनेमा हॉल लग रहा है। एक सेकंड ये कौन है भाई, ये लग रहा है ना ये काम करने वाली औरत लग रही है मुझे भाई, ये देख रहे हो यहाँ पे पता नहीं ये क्या चल रहा है भाई, ये कौन सा क्या सीन है यार, ये अंडरग्राउंड निकला भाई, मुझे तो लगा ये इतना छोटा ही है, और यहाँ पर दरवाज़ा लग रहा है मुझे
ओ भाई 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 भाई, ये देख रहे हो? एक सेकंड, यहाँ पे फायरिंग करनी पड़ेगी भाई। ये तो पूरा अंडरग्राउंड निकला यार, ये इतना सारा पैसा भाई साहब। यार ये तो भाई मजे हो गए यार। मतलब अगर ये सारा अपने पैसे हो गए ना भाई, सारे के सारे पैसे ले जाएंगे। मतलब देख रहे हो ना भाई, इतना सारा पैसा लग रहा है। देख रहे हो, पेटी भर भर के पैसा रखा है भाई। मुझे पता ही नहीं था अंडरग्राउंड में। ये देख रहे हो, इसका वॉच कलेक्शन भी है। ओ भाई साहब, रेयर कलेक्शन लग रहा है। एंड ये देखो भाई, इतने सारे हैं ना। और ये देखो भाई, पता नहीं क्या क्या भाई ज्वेलरी रखी है, एंड वगैरह वगैरह रिंग्स रखे हैं भाई, वॉचेस हैं भाई। सारे के सारे चीज़ें अमेजिंग है यार। मतलब अमेजिंग गाइस, एक ही नंबर है। मतलब बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। और इतना सारा सोना है ना इसके पास भाई, देख रहे हो? इसके घर में भी मार्टिन है कि नहीं पता नहीं। हमारे एनएसजी के बंदे फाइट कर रहे हैं। मुझे फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा, अभी पैसों के लालच में ऐसा ना हो कि भाई हमारे बंदे मर जाए। और एक सेकंड भाई, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। इसको लगा कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं भाई, बट गाइस हमारी सिक्योरिटी ने हमें भाई सारा का सारा बता दिया। एंड एक सेकंड, यहाँ पे एक और दरवाज़ा लग रहा है भाई। ये सारे सीक्रेट रूम्स नजर आ रहे हैं। एक सेकंड, ये कौन है भाई? यहाँ पर कोई जिम कर रहा है। एक सेकंड, ये कौन है भाई? ये फायरिंग जो कर रहा है, पहले इनको मार दो। ये फायरिंग नहीं कर रही है, ये क्या हो गया भाई? ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? ये तो फायर नहीं कर रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये ना गाइस, ये कह रही कि भाई जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मतलब काम कर रही हूँ भाई, मुझे मत मारो भाई। ये लग रहा है मुझे, ये इस ना मार्टिन की वाइफ लग रही है। तो यार गाइस, ये कह रही है देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो जस्ट नॉर्मल हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, एंड मुझे मत मारना भाई, मैं तो कुछ भी नहीं। मतलब यार एक सेकंड, ये ना मुझे लग रहा है ये मार्टिन की वाइफ है गाइस। तो गाइस मैंने इसे पूछा, एंड ये भी, ये इसने बोल भी दिया कि ये मार्टिन की वाइफ है, एंड मुझे मत मारो, मेरा इसमें कोई भी काम नहीं है, मैं तो बस इधर रहती हूँ, एंड भाई ऐसे कुछ भी नहीं है। सो यार, इसको मारना है कि नहीं मारना है, आप लोग बताओ चैट पे। तो यार चलो, इसकी बात में मान लेता हूँ, मुझे भी लग रहा है कि ये इनोसेंट है। ठीक है भाई, कोई ना, हम लोग इसको किडनैप भी कर लेंगे, एंड कुछ हम लोग किडनैप करेंगे ना भाई। इस पर नज़र रखो एनएसजी भाई, इसको कोई जाने मत देना। अगर मार्टिन भाग जाता है ना इधर से, तो हम लोग इसको पकड़ के बुला लेंगे, मतलब इसकी बैंड बजा देंगे, समझ रहे हो? अगर मार्टिन इधर से निकलता है इस वाले मैंशन से, तो इसको हम लोग पकड़ के ना भाई इधर ही, मतलब उसको बुला लेंगे। सो चलो, सो ऑल राइट गाइस, फाइनली ना मैंने हमारे एनएसजी सिक्योरिटी को बोल दिया कि भाई इस पर ध्यान रख, कहीं जाने मत दे। अगर कहीं जाती है ना तो भाई सर पे गोली मार दे, जहाँ गोली मारनी भाई मार दे। तो यार एक सेकंड, अभी हमारे ना एनएसजी वाले बंदे ऊपर फाइट कर रहे हैं। एंड मुझे ना ये सारा का जो अंडरग्राउंड है ना भाई, सारा का सारा चेक करना पड़ेगा। मतलब देख रहे हो भाई, इतने सारे गेम्स नीचे एंड ऊपर दिखाने का कुछ और है, मतलब नीचे कुछ और है भाई। सो भाई इधर देख रहे हो ना गाइस, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड, इतने सारे लोग भाई भाई, इसकी भैंस की है भाई। ये क्या है भाई? भाई ये तो पुतले भाई, मैं तो इनको फायर करना शुरू हो गया, एंड मुझे लगा ये ना इतने सारे बंदे हैं। एंड ये बंदा इधर भाई, इसकी बॉडी वगैरह बहुत है, देख रहे हो? उसके पास जिम भी घर के अंदर है ना भाई, ये बंदा गेम भी खेलता है। और ये भाई पुतले डमी है भाई, मैं तो इन पर फायर करना शुरू कर दिया भाई। ये बंदा ना ज़्यादा ही फिटनेस पर ज़्यादा ही ध्यान देता है, आपने देखा? ये क्रूजर एंड ये दोनों मिलके ना, क्रूजर को तो मैंने मार दिया है, उसकी भी बॉडी खतरनाक थी। एंड ये जो मार्टिन है भाई, इसकी बॉडी तो ज़्यादा ही हाई, इसको भी मैंने मार दिया है। मतलब सॉरी, मारा नहीं, अभी इसको पकड़ने वाले, अभी इसकी फाइट चली रही है आई थिंक, पता नहीं। अभी मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा। एंड इसका घर ना भाई बढ़िया लगा है। तो ये घर वैसे किराए का है, हम लोग कब्जा नहीं कर सकते। तो गाइज़, ये वाला मैंशन खरीदने के आप लोग चैट में बता दो, यस कि नो। एंड चलो यार, मैं ना ऊपर तो आ चुका हूँ गाइज, बट यहाँ पर ना कहीं मेरे को सीढ़ी नज़र नहीं आ रही, ऊपर जाएंगे कैसे भाई? पता नहीं क्या सीक्रेट सीक्रेट रखा। एक सेकंड, एक सेकंड, ये बंदा फायर कर दिया मेरे पे भाई। भाई मार्टिन आ चुका है भाई, देख रहे हो भाई? यार एक सेकंड, इसकी भैंस क्या फुल इसने फुल वेस्ट पहन रखी है भाई। यार जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है भाई, मैंने भी वेस्ट पहन के रखी, वरना मेरा भी कब का काम खत्म हो जाता भाई। मारो जल्दी से एनर्जी वालों, मारो उसको फटाफट से भाई, ख़त्म करो इसको भाई। देख रहे हो भाई, इसके पास आरपीजी भाई, इसको हम लोग फायर भी नहीं कर सकते, मतलब दूर से फायर करनी पड़ेगी। अगर नज़दीक जाएंगे ना मर सकते हैं गाइस। तो बट चलो यार, ट्राई तो करो अंदर से मारने की, बट यार ये ग्लास है यार, मतलब अंदर से जा नहीं रही गोली, वरना इसको यहाँ से मार देता साले को। चलो एक सेकंड में बाहर निकलता हूँ भाई, ये बंदा ना इसको मैं फायर करने जाऊँगा जब तक ये मेरे पर मिसाइल मार देगा। देख लो यार इसकी भैंस की आग। चलो कोई बात नहीं भाई, पकड़ो यार। एनएसजी वाले बंदे कहाँ चले गए यार? एनएसजी वाले अभी फाइट कर रहे हैं क्या? ये ले भाई, देख रहा हूँ फुल मार रहा हूँ, वेस्ट वेस्ट पहन के रखी है इसने सारी की सारी भाई, फुल वेस्ट पहन रखी है।
बट चलो कोई बात नहीं भाई, इसकी ना बहस की आग, चलो इसका बैंड बजाना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जा। हेलीकॉप्टर भाई फोड़ना पड़ेगा भाई मुझे, बट यार ये देख रहे हो भाई ज़्यादा इतना खतरनाक वाला सीन है। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं कवर से बाहर निकल रहा हूँ, देख रहे हो यार, बट इसको ना मैं मारने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे मार देगा। एंड ये बंदा भाई पावरफुल है, वैसे इतनी जल्दी तो मरने वाला तो है नहीं भाई, बॉस बंदा है भाई, तो समझ रहे हो। अरे यार भाई देख रहे हो, मैंने बोला था आप लोग को भाई अगर मैं थोड़ा सा बाहर निकलूंगा ना तो मेरी हेल्थ कम हो जाएगी। एंड एक सेकंड, ये बंदा यार जो सोचा था वही हुआ, जो सोचा था वही हुआ, ये बंदा हेलीकॉप्टर में बैठ के चला गया। हर बार की तरह गाइस डगन जैसे करता है वैसे इसने भी ये वाला काम कर दिया साला, मतलब इतना खतरनाक बंदा है, इतनी खतरनाक इसकी गैंग, इतना सारा पैसा होके भाई भाग रहा है लूट पेगा देख रहे हो। बट कोई बात नहीं, उसके हमने वाइफ को तो किडनैप कर दिया है, तो साले को ब्लैकमेल करके ना भाई इधर कैसे भी करके ला ही लेंगे। सो इसकी वाइफ को हमने किडनैप कर दिया। एनएसजी वालों क्या करते हो यार, तुमको पता ही नहीं इधर क्या हुआ। रेड निंजा तू कहाँ चला गया यार, तुझे बोला था ना इधर ही ध्यान दे। एंड यार ये देखो गाइस, ये अपना अपना काम कर रहे थे, इधर और भी कुछ लोग आए थे बोल रहे लोग, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी ना हम लोग इसको ना फटाफट से इसकी वाइफ को इधर लाते हैं एंड इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इसका जो मार्टिन है क्या क्या करता है। एंड ये देख रहे हो, इसने हमारी सारी कार्स चुराई थी जब इसने मेरे मेंशन पे कब्जा किया था ना भाई, तो साला ये देखो इधर ला के रख दिया जैसे इसके इसने खुद खरीदी हो। मतलब देख रहे हो ना भाई क्या बंदा है यार, मतलब चलो ठीक है भाई इसको ना इधर रहने देते हैं। एंड ये वाला मेंशन पे सोच रहा हूँ, चलो इन्होंने लगता है इसको ना ला लिया इसके वाइफ को इधर। और इस वाले शोरूम, इस वाले मेंशन में ना भाई कितने सारे गैरेज हैं, टोटल चार, इधर भी चार है क्या। और एक सेकंड, इधर मेरे और भी कार चोरी कर रखे हैं, ये देखो अपनी जीटी वाली कार। और सही है भाई, वो ये अपने जीटी भाई देख रहे हो ना, ये जो है भाई इधर भी ला के रख दिए, मतलब टोटल अपने तीन कार चोरी ले गया भाई ये सारे जितने भी कार्स थे। और ये देख रहे हो ये बुगाटी भी मेरी नहीं है, पता नहीं किसकी चोरी ले गया, हाँ ये तो अपना है, बुगाटी तो मेरी नहीं है। एंड एक सेकंड चलो इससे ना सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं भाई, इसको ला लिया गया तेरी वाइफ को, कहीं इसकी वाइफ कहाँ गए भाई, मार्टिन की वाइफ कहाँ चलेगी। चलो इसको करना है भाई, एक सेकंड भाई मुझे इधर सीढ़ी ढूंढनी है, सीढ़ी क्यों नहीं दिख रही इधर, इधर ना सीढ़ी नहीं है पूरे मेंशन में, पता ऊपर गया कैसे, वरना हम लोग भी ऊपर जा रहे थे। एक सेकंड इसकी भैंस किया कि इधर वर्कर्स क्या कर रहे हैं भाई, इधर फाइट चल रही है, तुमको इधर मजे लूटने। रेड निंजा ने मुझे बोला है कि देखो हम लोग सीढ़ी ढूंढ रहे थे बट सीढ़ी हमको मिली नहीं, भाई लग रहा है इसने सीढ़ी को ऊपर ले लिया, पता नहीं यार ये सीढ़ी मैनुअल थी पता नहीं क्या थी यार। एक सेकंड हमको इधर सीढ़ी लगवानी पड़ेगी, बट इधर लगवाएंगे कहाँ पर, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है इस वाले मेंशन में, इस वाले मेंशन में ना बहुत सारे सीक्रेट चीज़ें छुपे हुए हैं, तो मुझे भी निकालनी पड़ेंगे ढूंढ ढूंढ के। ऊपर तो मैं जा ही नहीं सक रहा हूँ ना गाइस, वही सोच रहा हूँ ये उसमें ऊपर जाएंगे कैसे, इसलिए हम लोग इसको मार नहीं पाए, उसको पता था मार्टिन को कि यार देखो चलो कोई बात नहीं। एंड इधर भी कहीं जगह नहीं, इधर भी कहीं नहीं, मुझे लगा इधर ही कहीं होनी चाहिए जगह, बट इधर भी कुछ भी नहीं है भाई। सो एक सेकंड, एक काम करते इधर ना भाई, हमको सीढ़ी लगवानी पड़ेगी, इधर भी जगह नहीं है भाई साहब, सीढ़ी है कहाँ पर, तो फिर ये बंदा ऊपर गया कैसे भाई, लग रहा है खुद से चढ़ के तो नहीं गया ना, यहाँ पे कहीं सीढ़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर ना गाइस। ये देख रहे हो इधर जगह है थोड़ी सी, एंड ये देखो इधर थोड़ी सी मट्टी लगी है, एंड इधर से देखो यहाँ पे जगह भी है, तो मुझे लग रहा है इधर ही कहीं मैं सीढ़ी लगवा देता हूँ। तो एक काम करते इधर सीढ़ी लगवा देते हैं हम लोग। एंड देख रहे हो इधर से ना सही को मेरे साथ यहाँ पे एक फ्लोर है देख रहे हो, तो भाई ये देख रहे हो इधर से ना यहाँ पे एक सीढ़ी होनी चाहिए, तो ये वाला मेंशन भाई भाई खतरनाक निकला, इसने पता नहीं कब ऊपर ले लिया गया, लग रहा है ये सीढ़ी ना नॉर्मल वाली होगी, ठीक है ऐसे भी हो सकता है। तो यार ये बंदा ना भाई देख रहे हो इसकी फटी पड़ी है यहाँ पर, तो कैसे हमें सीढ़ी लगवानी पड़ेगी, तो फटाफट से मैं सीढ़ी लगवा लेता हूँ एंड फिर पता चलता है ऊपर क्या है गाइस क्या नहीं है। सो ऑल राइट गाइस, हमने इधर सीढ़ी लगवा दी है एंड भाई नॉर्मल वाली सीढ़ी है भाई जो कि अवेलेबल हो जाती है इजी तरीके से, बस रख दो। एंड ठीक है यार चलो अभी ऊपर जाके देखते हैं भाई क्या सीन है भाई, सीढ़ी वगैरह तो लगवा दी है। एंड एक सेकंड भाई क्या रूम है यार इसका, भाई साहब तिजोरी वजोरी लगी है एंड इसका लॉक मुझे नहीं पता। एंड एक सेकंड यहाँ पर, ओह भाई इतना सारा गोल्ड भाई, किस किस घर पे कितने लोग को मारा है इसने, मतलब इतना पैसा इसके पास, नीचे वाले जो नीचे था ना वहाँ पे इतने सारे पैसे मतलब रखे थे एंड इधर गोल्ड रखा है, भाई साहब इतना सारा पैसा ना भाई साहब ये करेगा क्या। एंड भाई सिर्फ एक ही फ्लोर में हम लोग जा सकते हैं सीढ़ी से, यार यहाँ पे सारे सीढ़ी हमको लगवानी पड़ेगी, मुझे नहीं पता इसने क्यों किया ये सब, लग रहा है इसको पहले ही पता था मैं इधर आने वाला हूँ, बट इसने सारा गेम खेल के रखा है, मतलब इसने सारे सीढ़ी ना तोड़ के रखे, देख रहा सामने भी एक फ्लोर है,
तो ये बंदा मास्टरमाइंड है, आपको मैंने बोला था गाइस ये बंदा मास्टरमाइंड है। जब भी मैं इस पर अटैक करता हूँ, जैसे मैंने डगन बॉस पर अटैक किया था तो इसने मेरे मैंशन पे अटैक करवा दिया था प्ले बाय पे। तो यार ये बंदा ऐसा वैसा नहीं, ये मास्टरमाइंड वाला बंदा है, समझ लो। सो चलो इसकी वाइफ को मैंने इधर ला लिया है एंड ना भाई इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। भाई जल्दी से बताओ वो क्या क्या काम करता है, एंड इससे हम लोग सारी ना इन्फॉर्मेशन लेते हैं। भाई पता नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो यार इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, मतलब डगन को जो है ना, सॉरी मार्टिन को ब्लैकमेल कर सकते हैं, मतलब उसको इधर ला सकते। जल्दी बताओ भाई मार्टिन भाई ये ना, चलो इसको मैं पूछता हूँ कहाँ रहती है। सो ऑल राइट गाइस, ये कह रही है कि देखो यार मार्टिन ना वाई सिटी रहता है, एंड वाई सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दे दी, एंड भाई जो भी इसका घर है ना वो भी इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दे दी है। ये कह रही है कि देखो मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी, मुझे छोड़ दो। देखो मैं तो कुछ करने वाला तो हूँ नहीं, इन्फॉर्मेशन दे दी इसने वाई सिटी, जाके पता चलेगा। तो आगे जाके ना वाई सिटी जाना पड़ेगा हमको, बट इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं गाइस बढ़िया तरीके से। एंड इसको ना हम लोग बोलेंगे देख अगर तेरे को वापस चाहिए तो आ जा इधर, इधर के लोकेशन दे देंगे इसको, वरना मैं इसको मार दूंगा। ऐसे हम लोग बोल के ना इसको लाएंगे, फिर इसको ट्रैप कर देंगे। तो चलो यार यहाँ पर एक सेकंड, इसकी बुगाटी है ना भाई साहब, ये बुगाटी देख रहे हो साला, कितने लोग के कार कार इस बंदे ने चुराया है ना भाई, क्या ही बोलूं। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो गाइस तो आप लोग चैट में माइकल ओपी लिख देना, मुझे समझ आएगा आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, माइकल ओपी लिख देना, दो चेक पॉइंट दे दिए तो मुझे पता चलेगा आप वीडियो देख रहे हो। यार वीडियो को लाइक करना, और सारा का सारा गोल्ड हम लोग ट्रक में ले जाने वाले, तो सारा का सारा मैं इंतजाम करता हूँ फटाफट से। एंड हमारा एआई रोबोट भी रेडी है, चलो यार फटाफट से हम लोग रोबोट रेडी मतलब लूट करते हैं। ऑल राइट गाइस, सारा का सारा सोना ना हम लोग ने गाइस हमारे ट्रक में लूट करवा दिया है, और भाई रेड निंजा को मैंने बोल दिया हमारा जो सीक्रेट बनकर है ना भाई वहाँ पर लेके जा। वैसे वो सीक्रेट तो रहा नहीं, क्योंकि ना मार्टिन को उस लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। एंड यार अभी कैसे भी करके मेरे पास बनकर का, मेरे पास अभी सीक्रेट बनकर नहीं है, तो अभी ना मुझे कैसे भी करके एक सीक्रेट बनकर ढूंढना पड़ेगा। सो चलो यार अभी ना हम लोग के पास जगह तो नहीं है भाई, इतना सारा गोल्ड मिला है ना अभी, इस वाले गोल्ड से मैं क्या क्या नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना, बस ये गोल्ड मेरे पास ही रहो एंड पुलिस वालों को पता ना चले। वैसे पुलिस तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि अपन तो प्रेसिडेंट के दोस्त बन चुके हैं, बट फिर भी गाइस हमको सतर्क अलर्ट रहना पड़ेगा। एंड भाई थोड़ा सा हमको मास्क पहन के काम करना पड़ेगा, वरना गाइस आपको याद ही भाई अपन फेमस हो चुके हैं, और भाई साहब लॉस सेंटर्स में अपना नाम बन चुका है ज़्यादा ही, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार देखो अपना नाम ख़राब हो जाए। सो चल रहे यार ठीक है ना, तुम लेके चले जाओ इसको भाई फटाफट से अपने सिगरेट बंद कर पाए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कॉल करना। वैसे बढ़िया रास्ते से जाना, वैसे कोई पहचान तो नहीं पाएगा, ऐसे ट्रक्स है ना भाई, ऐसा लगेगा फैक्ट्री वाले ट्रक्स है, बट इसमें पैसा जा रहा है। सो चलो यार फटाफट से इनको मैंने बोल दिया, ये फटाफट से अपना सारा का सारा पैसा ना गोल्ड है वो सिगरेट बंद कर पे ले जाएंगे। सो ठीक है भाई फटाफट से ना जल्दी से निकलो, निकलो यार फटाफट से निकलो भाई, हमको इधर से निकलना है, आगे का और बहुत सारे काम है यार, बहुत सारे काम करने हैं, मार्टिन का गेम ओवर करना है एंड डगन का भी गेम ओवर करना है। तो चलो यार ये लोग ना निकल रहे हैं फटाफट से अपने सीक्रेट बंद कर पे, वैसे कोई शक नहीं करेंगे इसमें गोल्ड है भाई, क्योंकि ये फैक्ट्री के ट्रक्स है तो हमने आपको याद ही है। सो चलो ठीक है भाई फटाफट से ना अभी हम लोग को गाइस आगे के बहुत सारे कुछ काम करने हैं। सो आगे का क्या प्लान है देखते हैं। एक सेकंड किसी की कॉल आ रही है, एक सेकंड किसकी कॉल आ रही है, बातचीत कर लेते हैं, बेनी की कॉल आई है। ऑल राइट गाइस यहाँ पे बेनी का कॉल आया था एंड कह रहा है कि देखो अपने जो भी आपने जो कार्स बोले थे ना भाई, जो जो कार्स आपने बोले थे वो सारे के सारे आ चुके हैं शोरूम पे एंड लोड हो रहे हैं। तो ये जो कार्स थे ना गाइस आप लोग ने बोला था कार्स ऐड करो भाई, तो वो आ चुके आई थिंक। चलो एक सेकंड में जाऊँ किस पर, एक सेकंड अपना जो एआई रोबोट है ना इसी के ऊपर बैठ जाता हूँ, क्योंकि भाई देखो इससे सेफ तो कोई जगह है नहीं। ठीक है तो ठीक है भाई, तो मैं लोग इधर ही रहो एंड इसको इसके मार्टिन को वाइफ को ना पकड़ के रखना, कहीं जाने मत देना, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती मेरे को बोल देना रेडी जाओ। सो एक काम करता हूँ मैं इस पर बैठ जाता हूँ, इस देख रहे हो इसमें मैं बैठ चुका हूँ एंड इससे कोई सेफ जगह कोई हो नहीं सकती। सो चलो यार फटाफट से एंड देखते हैं, आप लोग ने जो कार्स बोले थे ना भाई वो सारे के सारे कार्स मैंने ऐड कर दिए एंड आप लोग को बस उसका नाम बोलना है, ठीक है ना गाइस यहाँ पे फटाफट से। तो गाइस आप लोग को और कार्स ऐड करने तो वो भी बोलो, अभी जितने लोग ने मेरे को बोला था यार जो पिछले वीडियो में कमेंट्स आए थे तो मैंने ऐड कर दिया, अगर और बोलते हो तो और भी ऐड कर देंगे एंड इंडियंस कार भी ऐड करने का बोलना, ज़रूर बोलना मुझे। तो चलो लोकेशन में मिलते हैं आपको एंड हमारे शोरूम की ओर विदाउट कोई टाइम पास के। ऑल राइट गाइस फाइनली वी आर, हम लोग आ चुके हैं हमारे शोरूम पर, और शोरूम पर मैंने ना मॉन्स्टर सिगरेट लगाई हुई है तो कोई डरने वाली बात नहीं है।
तो भाई चल लग रहा है ना, सारा का सारा माल लोड हो चुका है, अभी भी हो रहा है, कुछ कार्स वगैरह बचे हैं भाई। ये जो इस पे बैठ के आ रहा हूँ ना भाई, रॉयल एंट्री मार के यार बिल्कुल ही मजा आ जाता है। ऐसे हम लोग एंट्री मारते हैं ना यार, ये देख रहे हो मतलब रोबोट पे कोई ना आता है बैठ के। सो चलो भाई सब मतलब देख रहे हो भाई, बस गिराना दे भाई ये बंदा, मतलब बंदा नहीं यार रोबोट है, बट बंदे की आदत हो गई है। बट चलो ठीक है भाई साहब, मतलब खतर गजब चीज़ है, तो फटाफट से इसको बोलता है जरा पार्क कर दे भाई गजब से। तो हमारा ये शोरूम है, आपको याद ही होगा हमने कुछ 2 दिन पहले ख़रीदा है इसको। ठीक है भाई चलो यार बस कर भाई, कितना भाई मुझे उतरने दे, फटाफट से जैसे उतरता हूँ एंड फिर शोरूम में एंट्री करते हैं। अरे बस कर दे भाई, कितना चलाएंगे अंदर लेके जाएंगे गाड़ी को। गाइस ये क्या ही कर रहा है ना कसम से। अरे बस कर दे भाई, उतरना है मुझे, अभी भी चालू रखा है इसने अपना इंजन। चलो यार फाइनली मैं उतर चुका हूँ भाई, ज़्यादा ही गाड़ी भगा रहा है क्या। तो ठीक है भाई, हमारा लग रहा है सारा का सारा माल अनलोड हो चुका है इधर से। एंड हमारी मॉन्स्टर सिक्योरिटी इस गजब है भाई, ये सिक्योरिटी भाई बहुत ही खतरनाक है भाई। आपको याद ही होगा अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो यही मेरे को बताना कमेंट करके आपने इनके वीडियोस देखे हैं कि नहीं भाई। ये खतरनाक सिक्योरिटी है ना भाई, लिबर्टी सिटी से लाई थी मैंने। बट चलो यहाँ पे लोग आए हुए हैं भाई साहब, बहुत ही खतरनाक वाली कार से इधर। 1 सेकंड है हमारी, चलो फाइनली देख लेते हैं। ये रहा बनी, सॉरी बेनी, बनी बेनी हो गया। बेनी क्या सीन है, हमारे सारे कार्स आ चुके हैं क्या जो आपने बोले थे? ठीक है वो कह रहा है कि देखो सारे कार्स आ चुके हैं। ये कौन है भाई? भाई ये कह रहा है कि देखो आज से ना भाई, देखो मेरा काम तो नहीं है ये वाला काम, तुम्हारे शोरूम में काम कर। तो यार ये मर्सिडीज एएमजी लग रही है मुझे, एक बंदे ने बोला था मर्सिडीज एएमजी आई थी। सो ये कार का नाम आई थिंक मर्सिडीज एएमजी है क्या? ठीक है यार बेनी बोल रहा है, देखो यही नाम है इसका। देखो मुझे तो नहीं पता इसका नाम, बट चैट पर आपने जो बोला था ना, मैंने बेनी को बोल दिया था भाई ये कार्स की लिस्ट दे दी थी। तो यार लग रहा है उसने ये कार की लिस्ट दे दी है, तो मुझे नहीं पता इतने कार्स के बारे में। तो जो आपने बोला था वो कार की लिस्ट मैंने बेनी को दे दी थी, उससे ज़्यादा पता है। और ये आई थिंक जी वैगन लग रही है मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है ना, ये भी लिस्ट में दिया था किसी एक बंदे ने, बोला था जी वैगन ऐड कर लो। सो भाई जी वैगन का माल आ चुका है एंड वैगन। ठीक है भाई कोई बात नहीं। एंड ये भी बढ़िया है भाई, इतना और स्टॉक है। ठीक है ना गाइस, अभी और भी स्टॉक अपने पास, और भी स्टॉक है। एंड ये एक बंदे ने बोला था बैटली ऐड कर दो, आई थिंक मैं गलत नहीं बोल रहा, तो प्रमोशन गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। बैटली बैंटली है पता नहीं गाइस, भूल गया हूँ मैं, पता नहीं यार एक चैट बताना, बैंटली है बैंटली है, मैं तो नाम भूल गया भाई। ये जी वैगन तो बढ़िया लग रही है। एंड ये पता नहीं बैंटली है बैंटली भाई, सॉरी यार गाइस मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। किसी ने चैट पे बोला था, मैंने लिस्ट दे दी थी भाई बेनी को। सो ठीक है भाई बढ़िया होंगे यार गाइस, बट इतनी खास तो लग रही है, अंदर से बढ़िया डिज़ाइन है। बट एक बंदे ने बोला था भाई, बहुत दिन से बोल रहा था भाई एक भाई साहब, एंड मैं बोला चलो ऐड ही कर लेता हूँ भाई, बढ़िया लुक है वैसे तो। और भी कोई माल ऐड करने का बोल देना गाइस। एंड बहुत सारा हम लोग कार्स का कलेक्शन अभी हम लोग जाने वाले, ठीक है ना, अभी वाई सिटी से हम लोग बढ़िया बढ़िया कार्स लेने वाले। तो अभी जितना हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। एंड ये कार का नाम मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, आप लोग चैट में बताओ। अगर आपको कार्स की इन्फॉर्मेशन है ना तो आप लोग मेरे को चैट में बता दो इस वाले कार का नाम क्या है, इस वाले कार का नाम बता दो। एंड ये देख रहे हो भाई, ये कौन सी कार है भाई? ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रही है। ऑल राइट गाइस, ये ना बढ़िया कार्स है भाई, बढ़िया बढ़िया माल ऐड किया बेनी ने भाई, मुझे तो पता नहीं इतना। बट चलो ठीक है भाई, अपने को क्या पता, अपन तो माफिया है भाई, अपन थोड़ी ना गाइस शोरूम वाले थोड़ी ना है। तो अभी बेनी कह रहा है कि देखो आज से ना ये आपका शोरूम संभालेगी, तो ठीक है यार कोई बात नहीं, इसको संभालने देते हैं। एंड फटाफट से ना भाई साहब चलो गाइस चलते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है। और ऊपर ये कह रहा है कि ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है ना एक हफ्ते का सारा इधर अपने ऊपर रख दिया है भाई। 1 सेकंड, अरे हटो यार तुम लोग बीच में खड़े हो जाते हो, तुमको पता ही नहीं तुम्हारा बॉस कौन है यार, इन लोग को ना पता ही नहीं है। सो 1 सेकंड, ये दरवाज़ा कहाँ है मैं ये भी भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं इतना दिनों के बाद आ रहा हूँ ना शोरूम पे। अभी सारा का सारा जितना भी स्टॉक था भाई, सारा का सारा भाई सेल हो चुका है। 1 सेकंड भाई, इधर ही होना चाहिए अपना, ठीक है ठीक है। एंड लग रहा है अच्छा वाला प्रॉफिट हुआ है। ओ भाई साहब, भाई प्रॉफिट तो अच्छा चल रहा है अपना गाइस। अभी और बढ़िया वाले कार्स मैंने ऐड किया, और कौन से कार्स ऐड करें जिससे ना ज़्यादा प्रॉफिट हो मेरे को चैट बताना। सो यार ये भी बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया है, चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं है, बढ़िया वाला प्रॉफिट हो रहा है। एंड सारा का सारा मैं इनको बोल दूंगा कि यार ये जो भी प्रॉफिट है ना भाई सबकी इसमें सैलरी दे देना, क्योंकि अभी तो सारा स्टाफ हायर किया है, तो अभी किसी की सैलरी मुझे लगता नहीं गई होगी, तो अभी इसी में से सैलरी के लिए जाएंगे एंड फिर प्रॉफिट बचेगा तो हम लोग ले लेंगे। सो चलो यार अभी जो भी अपना मैनेजर नया आया ना भाई, वो जो तो वो सब कुछ कर लेगा।
तो फटाफट से यार इनको बाय बाय बोलते हैं। एंड एक सेकंड, कहाँ चले गए ये दोनों? मुझे, मेरे को बोला इधर रुको एंड चलो नीचे थे। ठीक है बेनी, बढ़िया वाला काम किया यार, और ऐसे ही काम करते रहो। और अपने कुछ और भी कार्स ऐड करने, तो मैं तेरे को उसकी लिस्ट दे दूंगा। एंड वाई सी टी जाएंगे, बढ़िया वाले कार्स भी हम लोग ऐड करने वाले। सो ठीक है ना यार, चल बढ़िया वाला काम किया है, कल दे दूंगा तुझे लिस्ट। अभी चैट पे जो भी आएगा आपको, वो हम लोग तेरे को दे देंगे। सो ऑल राइट गाइस, ठीक है ना, मैंने इसको बोल दिया है। और अभी आप क्या गाइस, अभी फटाफट से मुझे निकलना पड़ेगा, और हमारे जो भी आगे के बहुत सारे काम है यार, बहुत सारे काम है, तो वो वाले काम्स को हमको निपटाना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना मेरी भाई साहब, चलो फटाफट से इधर से हम लोग निकलने के करते हैं। एंड एक सेकंड, ये कुछ कह रहा है क्या? चलो कुछ नहीं कह रहा, मुझे लगा कुछ कह रहा है भाई, कुछ तो कह रहा था भाई, बट चलो यार कोई ना। फटाफट से ना भाई निकलते हैं, हमारी सिक्योरिटी सही काम कर रही है ना इधर से। ठीक है यार कोई बात नहीं, अब कुछ कार्स बचे हैं ऐड करने के लिए। एंड एक सेकंड भाई, जिमी का कॉल आ रहा है, जिमी क्या कह रहा है मुझे? तो फटाफट से जिमी से बात कर लेता हूँ। एंड जिमी पता नहीं क्या कह रहा है। ऑल राइट गाइस, जिमी कह रहा है जल्दी से ना आप लोग प्ले बॉय मैंशन पे आ जाओ, एक गड़बड़ हो चुकी है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना मैं आ चुका हूँ हमारे मैंशन पे। पता नहीं यार, जिमी ने बोला है कि जल्दी से आ जाओ, बहुत बड़ा वाला पता नहीं गाइस सीरियस मैटर हो चुका है। यार मैं इधर आ चुका हूँ, पता नहीं यार क्या सीरियस मैटर हो चुका है यार। अभी फटाफट से यार, पता नहीं जिमी ने कोई हरकत तो नहीं की ना। वैसे जिमी तो इधर ये वाले मैंशन पर रहता नहीं है। एंड पता नहीं, इससे मैं फटाफट से पूछता हूँ यार, हुआ क्या है, क्या सीन है? पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही गाइस डरा हुआ था। एंड कह रहा है कि जल्दी से आ जाओ, बड़ा वाला हादसा हुआ है। भाई क्या हादसा हुआ ये तो बोल देता यार फ़ोन पे। बट चलो यार मैं इधर आ चुका हूँ मेरे रोबोट पे बैठ कर। एंड गाइस पूछते हैं भाई क्या सीन है। और गाइस मुझे लग रहा है कोई बड़ी वाली गड़बड़ ना हो। सो भाई एक सेकंड, ये दोनों बैठे हुए क्यों है? कुछ बड़ा लगता है ना, बड़ा वाला मैटर हो चुका है भाई। क्या हो गया जल्दी से बता दे भाई, जिमी हुआ क्या है भाई? अभी भी लग रहा है उठ नहीं रहा, अभी भी गाइस लग रहा है भाई बड़े वाले गम में लग रहा है ये। भाई हुआ क्या वो तो जल्दी से बता, रो क्यों रहा है भाई? एक सेकंड इससे मैं पूछता हूँ भाई हुआ क्या है, एक सेकंड। सो यार ये कह रहा है कि अमंडा जो है ना भाई, अमंडा को किडनैप कर दिया। यार ये क्या स्कैम है यार, अमंडा को बोला है घर में रहे सिक्योरिटी के साथ, बट इसको ना शॉपिंग करना है यार, लोल हो चुका है। एंड ये कह रहा है कि देखो एक बंदा है उसने लोकेशन पर बुलाया मुझे, एंड कह रहा है कि तू आना। यार ये देखो भाई ये क्या कह रहा है, अच्छा हुआ इसने मुझे बोल दिया, वरना ये इसको भी किडनैप कर देता भाई। यार मुझे क्यों नहीं बोला उसने फ़ोन करके, अगर ये बंदा पक्का मार्टिन होगा अगर ये काम इसने किया है ना। अगर ये बंदा, एक सेकंड ये जा कर रहा है भाई, लोकेशन पे जा रहा है क्या ये? इसकी भैंस की आँख, अरे रुक जा जिमी, जा कर रहा है तू भाई? ये क्या कर रहा है, इसने बोला ये लोकेशन पे जा तो देना, अरे जल्दी से गाड़ी उतर, ऐसे नहीं जा सकता तू अकेले, अकेले जाएगा ना साले तेरे को मार देगा वो। अरे यार देखो गाले, गाड़ी भी स्टार्ट करने नहीं आती इसको, मतलब क्या बंद, अरे इसकी भैंस की आग, कोई बात नहीं साला गाड़ी लेके भाग रहा है यार। ये देख रहे हो भाई फालतू के ना गाइस, मरेगा ये बंदा पक्का मरेगा भाई। अगर ये गया ना जिमी तो भाई लोल हो जाएगा इसके साथ, पता नहीं खुद को माफिया समझ रहा है क्या ये। यार लोल हो रहा है गाइस बिल्कुल ही, मतलब इसने एक बढ़िया काम किया मुझे बता के, वरना साले को भाई बैंड बज जाती है उसकी। यार चलो फटाफट से ना मैं इसको जाके पकड़ता हूँ, एंड भाई जीबी को पकड़ता हूँ वरना इसकी ना बैंड बज जाएंगी। देख रहे हो कितने धीरे गाड़ी चला रहा है, स्टार्टिंग में इतनी गाड़ी फास्ट चलाया भाई, नाटक तो नहीं कर रहे ना कुछ भाई, मजाक तो नहीं कर रहे ना भाई, मुझे तो लग रहा है मजाक ही कर रहा है। फटाफट से इसको पकड़ता हूँ भाई, गाड़ी भगा रहा है, देख रहे हो गाड़ी क्या, ये तो ट्रेसी की गाड़ी है ना, ये तो ट्रेसी की कार चला रहा है। देख रहे हो साले को साइकिल दी थी मैंने तो भाई, कार भी चलाने लग गया भाई। एक सेकंड इसको पकड़ता हूँ, इस पर एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं इसको भाई आराम से पकड़ सकता हूँ। वैसे तो मेरे पास लैम्बोर्गिनी सियान है, बट गाइस मैं नहीं चाहता कि इसको कोई चोट पहुंचे। एंड पता नहीं कह रहा है कि अमंडा किडनैप हो चुकी है, अगर ये सही हुआ ना भाई तो यार बड़ी वाली मुसीबत है। अगर ये अगर किडनैप किया तो मार्टिन का ही काम है। एंड ये मुझे बोलता ना फ़ोन करके, इसको क्यों बोल रहा है? लग रहा है ये चाहता था कि सारे ना इसके फैमिली मेम्बर जो माइकल के भाई सारे किडनैप हो जाए, एंड फिर वो भी अपने साथ ना ऐसे वाला काम करे, जिस मतलब अपने उसके वाइफ को किडनैप किया ना उसके वाले, तो वो भी अपने मतलब किडनैप कर दिया। यार लोल हो चुका है, अरे रुक जा यार छपरी, जल्दी से रुक जा भाई, जा क्या रहा है तू? यार कोई बात नहीं, इसको फटाक से ना पकड़ता भाई, बाड़ी भगा रहा है यार, इसको मैं गोली भी तो नहीं मार सकता, अभी क्या ही बोलूँ। चलो कोई बात नहीं यार, अभी ना इसको फटाफट से ब्लॉक करता हूँ, अभी इसकी स्पीड कम हो चुकी है, रुक जा, अभी इसको पावर दिखाना पड़ेगा माइकल है को। इसको लग रहा है माइकल ऐसे कोई बनता है यार, अभी साल है ये ने। अब गाड़ी भगा, अब गाड़ी भगा, अब ये तेरे खटारा गाड़ी के सामने भाई, स्पोर्ट्स कार के सामने तेरे रेस बढ़ेंगे आगे, नहीं ना। अब देख रहे हो गाड़ी भाग भी नहीं रही उसकी, लग रहा है भाई अटक गई भाई। ऑफ रोडिंग में गाड़ी चलाएंगा क्या अब? ये कार तो ऑफ रोडिंग भी नहीं है, रोड ऑफ भी नहीं है वाली कार तो भाई, सिर्फ बच्चों के लिए दिए मैंने कार ये। चलो साले उतर भाई,
साले को पिटाई करनी पड़ेगी उसकी ना भाई, पिटाई करनी पड़ेगी जंग पे। क्या भाई भाग कैसे रहा है तू? तेरे को जो बोला है वो करना भाई, तू खुद को माफिया समझ रहा है क्या? ओ भाई ये देख लो भाई, टॉर्च भी कर रहा था भाई। भाई क्या लगता है आपको माफिया सॉरी जीमी माफिया बन पाएगा क्या, मतलब अपनी तरह? आप लोग बताना मेरे को चैट में भाई, खुद को ना भाई माफिया समझ रहा है, मतलब बड़ा वाला गैंगस्टर समझ रहा है। तो यार ये क्या लगता है आप लोग को, जीमी गाइस आगे जाके गाइस अपने ऐसा कोई बन पाएगा क्या? आप लोग बताना चैट में। मतलब भाई ये बंदा फैट ही भाई, क्या ही बोलूँ यार, अभी भी गाड़ी में बैठ रहा है भाई। गाड़ी तेरी कुछ नहीं होने वाली, पंचर कर दिया, भाग के दिखा दे, अब कुछ नहीं होने वाला भाई तेरा, अब कुछ भी नहीं है भाई, अब उतर जा गाड़ी से, अब कुछ नहीं है भाई तेरा, खत्म है, गेम ही ओवर है भाई, अब तेरा गेम ओवर हो चुका है बिल्कुल ही गाइस, इसका ना गेम ओवर कर दिया है। एंड भाई देखते भाई, अब भगा गाड़ी, अब भगा के दिखा दे भाई, अब तो तेरी खटारा गाड़ी में इतना मेरे को दम भी नहीं लग रहा है भाई। माफिया बनेंगे भाई सब, अकेले जाएंगे मारेंगे भाई, विदाउट कोई प्लान के भाई, ना सिक्योरिटी के, ना कोई गन के भाई। भाई क्या किस चीज़ से मारेगा उसको भाई, तेरे को किडनैप कर देंगे। जल्दी से गाड़ी में बैठ जा छपरी, जल्दी से ना गाड़ी में बैठ जा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अभी भी यार देख रहे हो बंदे में इतनी अकड़ है ना गाइस, भाई क्या ही बोले बैठ। चलो कोई ना, ये बंदा है तो वैसे माइकल का ही बेटा, तो चलता है यार, इतना कोई बात नहीं है। अरे रुक जा यार, गाड़ी तो पलटा लेते पहले, इतना गाइस ये ना इतना ज़्यादा यहाँ पर स्लोप ऐसा है कि गाड़ी ना ऊपर जा रही है बट नीचे आ जा रही है। अरे अब तो बैठ जा गाड़ी में, अभी भी जाएंगे उस वाली गाड़ी में, चल भी नहीं रही। एक नई कार गिफ्ट करनी पड़ेगी जीमी को गाइस, कोई बात नहीं आगे जाके ना। अभी इसकी कार मतलब ये ट्रेसी की कार है, बट ट्रेसी ज़्यादा इस पर चल जाएंगी। एक सेकंड, ये पुलिस की आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई? भाई पुलिस को फ़ोन लगा दिया क्या यार? ये पुलिस कहाँ से आ गई, आप इधर देख रहे हो यार, ये क्या सीन है यार? पुलिस को कॉल किया क्या छपरी? ये कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड यार लोल गाइस, भाई साहब यार पुलिस का अब क्या करें भाई, वैसे पुलिस मेरे को जानती होंगी भाई। यार क्या हो गया ऑफिसर, यार क्या हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई। पुलिस वाला कह रहा है कि देखो यार तुम किडनैप तो नहीं किया ना इसको? भाई देखो किडनैप नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसको भाई। देखो भाई यार जीमी बोलना उसको, तू कौन है भाई? भाई इसका नाम भी जीपी जेंट है। तो यार ये कह रहा है कि ठीक है यार, भाई यार प्रैंक मत कर वरना मुझे गिरफ्तार ना कर दे। ये कह रहा है कि देखो आपका हमने इंटरव्यू देखा है तो जाने दे रहे हैं आपको, हम आप पे भरोसा करते हैं। भाई उनको लग रहा है कि मैं इसको किडनैप करने आया हूँ यार। लोग अभी भी देख ही रहा है, अरे भाई जा रहा हूँ यार, अभी भी जा रहे हैं, देख रहे हैं अभी भी ये लोग भाई शक ही कर रहे हैं मेरे पे। चलो इन्होंने मेरे पे भरोसा कर दिया क्योंकि इनको पता है मैं प्रेसिडेंट का फ्रेंड हूँ, वरना ये साले मेरे को पकड़ के ना जेल में ले जाते हैं यार। ये जीवी के चक्कर में ना भाई जेल में जाते जाते बच चुका हूँ मैं भाई, देख रहे हो ना यार गाइस क्या ही बोलूँ। अभी भी जा नहीं रहे, देख रहे हो अभी भी कुछ देख ही रहे, जैसे मैं कुछ किडनैप विडनैप तो नहीं कर रहा हूँ ना भाई। ये पुलिस वाले ना ज़्यादा ही कहीं शान है भाई, जब काम आते जब नहीं आते, जब फाइट होती है जब कुछ नहीं आते भाई। जब इतना छोटा सा मैटर हुआ तो भाई लग रहा है ना कि रास्ते में से जा रहे होंगे आ गए इधर ही, बट चलो कोई नहीं, इधर लॉस एंजेलिस की पुलिस गजब है भाई। चलो कोई बात नहीं, इधर ये देख रहा फटाफट से ना मैं निकलता हूँ हमारे प्लेबे मैंशन पर, हमारी सारी सिक्योरिटी को लेके जाएंगे। एंड जीमी ने मुझे लोकेशन दे दी है, पता नहीं कौन सी लोकेशन दी है मार्टिन ने इस बंदे को भाई साहब, मतलब किडनैप करके यार लोकेशन भेज दी, बोल रहा अकेला आ जाए ऐसा कुछ बोल रहा था। सो यार कोई बात नहीं गाइस, हमको ना अभी एक बढ़िया सा प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान क्या जा भी यार, देखो गाइस फाइट तो करनी नहीं हमको, देखो अभी हमने अगर वहाँ पे फाइट किया ना, देखो इसकी वाइफ को तो हमने किडनैप कर रखा है मार्टिन के, और उसने भी एमंडा को किडनैप कर रखा है। सो यार चलो ठीक है, तुम लोग इधर ही रुकना, देखो इन दोनों को इधर ही रखो ठीक है ना, इन दोनों को ही जाने मत दो सिक्योरिटी का। तो यार चलो मैंने इनको सारा का सारा बोल दिया, मेरे सिक्योरिटी को एंड ट्रेसी और अमोंडा को मैंने इधर ही रखा है, कहीं जाने नहीं दिया, अगर कहीं जा भी नहीं सकते इनको, मैंने बोला कि इनको बंद करके रखना रूम में। चलो अभी देखो मैंने सारी हमारी जो एनएससी के लोग हैं ना सबको इधर लेके जा रहा हूँ, और एआई सिक्योरिटी भाई वो तो आ जाएंगी ठीक है ना, ऐसे कोई बात नहीं, एआई सिक्योरिटी भाई आ जाएंगे अपनी। बट उसने कहा कि गाइस अभी ना हम लोग को इनको लेके जाना पड़ेगा, अगर बड़े वाले को लेके चले गए ना तो भाई बड़ा वाला कांड हो सकता है, मतलब वो अमोंडा को गोली ना मार दे। सो अभी हम लोग को ना आगे जाके मार्टिन पे जो वाइफ है जिसको हमने उसी के घर में किडनैप कर रखा है, तो वहाँ से उसको पिकअप कर लेंगे, रेटिंजा को पिकअप कर लेंगे वहाँ से, एंड सबको वहाँ पे ना दोनों को पिकअप कर लेंगे। एंड फिर मैं गाइस चलता हूँ जो लोकेशन दिए ना तो वहाँ पे चलते हैं, और वीडियो को लाइक कर दो और चैट पे लिख दो गाइस, अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो गाइस जीमी लिख दो तो मुझे पता चलेगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो चैट पे लिख देना जीमी, बस इतना लिख दो। तीसरा चेक पॉइंट है, एंड सारे चेक पॉइंट लिखना तो मुझे समझ आएगा आप मेरी वीडियो देख रहे हो। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स गो टू द और लोकेशन और देखते हैं क्या सीन है।
ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं और हमने पिकअप भी कर लिया था मार्टिन के वाइफ को और रेड निंजा को पिकअप कर लिया। मार्टिन की वाइफ जो है ना, इधर देखो पीछे मैंने उसको किडनैप कर रखा है, देख के भाई कहीं वरना भाग ना जाए। एंड भाई देख रहे हो वरना मार्टिन, मुझे लग रहा है मार्टिन खुद चल के आया है। सो देखो अभी ना गाइस भाई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है अगर फाइट वगैरह हो गई ना, तो मुझे लोकेशन तो यहाँ के दी है भाई। देखो फाइट वगैरह करेंगे ना तो देखो हम तो मरेंगे नहीं, बट ये दोनों में से ना कोई एक मर जाएगा, मुझे इतना पता है। एक सेकंड, ये मार्टिन लग रहा है, मुझे मार्टिन है और उसकी फैमिली है। भाई देखो कोई फायर मत करना, उसके हाथ में एमंडा है और उसके हाथ में उसकी वाइफ है, ठीक है ना। तो एमंडा को किडनैप कर रहेगा यार गाइस, कसम से यार, वरना इसको मैं यहाँ पे मार दूँ साले को। भाई इसको मारने में एक मिनट लगेगा नहीं, बस AI सिक्योरिटी ख़त्म कर देंगे, बस एक सेकंड में लगेगा नहीं, पता है इतनी ख़तरनाक AI सिक्योरिटी। इसलिए मैं लाया नहीं क्योंकि उसकी फट जाती है। एंड चलो इसको मैं बोलता हूँ, इसको भाई इसको खोल दो एंड इसको ना सामने लेके जाओ, इसको पता लगेगा वरना लगेगा कि मैं कुछ अकेला आया हूँ। फिर दोनों की डील करते गए, पता नहीं यार गाइस क्या डील होती है। तो रेड निंजा फटाक से खोल दे उसको एंड फटाफट से इधर ला ले, एंड इधर जैसे एमेंडा को बैठा ना वैसे बैठ जा भाई तू भी। भाई देख रहे हो अपने ना एमेंडा को गाइस कैसे बिठा के रखा है साला, इसको बिठा के रखो वैसे ही साला, बिठा जल्दी से फटाफट से एंड देखते हैं क्या बोलता है मार्टिन। एंड बोलते देखते गाइस क्या कह रहा है मुझे ये। सो गाइस ये मुझे कह रहा है कि देखो दोनों को साथ में भेजो, हम लोग इधर फाइट वगैरह करने नहीं आए, ठीक है। वो कह रहा है कि देखो फाइट जो है ना भाई वो अपना आपस का मामला है, मतलब पर्सनल, तो इसको ना फैमिली को बीच में मत लाओ। तो मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है भाई, ये सही कहा तूने, देखो ये ना अपना मैटर है, ठीक है, मतलब फैमिली का मैटर नहीं है। तो गाइस हमको अभी दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, अगर फाइट करेंगे दोनों मरेंगे, मतलब हमने ये दोनों नीचे ना भाई इनका कोई कसूर नहीं है, दोनों इनोसेंट है, ठीक है ना, मतलब आप समझ ही सकते हो उनका क्या कसूर है उसमें। तो ठीक है यार एक काम करो, तू पहले छोड़ मैं छोड़ता हूँ, वो कह रहे कि पहले तू छोड़। अरे यार ये क्या स्कैम है, एक काम करते दोनों को एक साथ छोड़ते हैं ना। चलो यार एक काम करो, तुम चले जाओ एंड तुम इधर आ जाओ। सो यार चलो गाइस दोनों की ना डील हो चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है हेरा फेरी वाला सीन लग रहा है ये। भाई जल्दी से ना कार में बैठ जा तू भी एंड चला जा कार के अंदर, के चला जाना भाई, वो तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में बैठ गए भाई। यार देखो अभी आइस मुझे ना फट रही है, अभी इधर कुछ भी स्कैम हो सकता है भाई वगैरह वगैरह। ओहो भाई वाइस तो कार में हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी है एंडा, और वो कहाँ जा रहा है भाई, वो कह रहा है कि देख भाई इधर मैं फ़ाइट तो करने आया नहीं हूँ, तो मैं जा रहा हूँ भाई, ठीक है, अब हम लोग को अभी फ़ाइट नहीं करनी है। तो यार ठीक है सही कहा, वैसे मुझे फ़ाइट नहीं करनी है, वैसे भी गाइस डेली फाइट करके ना मैं थक चुका हूँ, मतलब इतनी फ़ाइट कर रहे हैं ना भाई, यार हर वीडियो में गाइस 3 या 4 फाइट हो रही है हमारी। तो यार चलो ठीक है भाई, यार अभी हम लोग इस अच्छी बात है यार, अभी ना अब क्या ही बोलूँ, बढ़िया वाला सीन है। अरे एक सेकंड भाई इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, इसकी फैस किया कि यार ये लोग गद्दारी कर रहे हैं साला। एक सेकंड गन निकालता हूँ, इसकी फैस किया भाई, मतलब भाई गद्दारी कर रहे हैं भाई। भाई वो चला गया एंड छपरी, मतलब यार बेवकूफ़ बना दिया, बट चलो यार ये सब क्या ही करो यार। अभी एमेंडा को मैंने बोल दिया है भाई तू कार लेके चला जा फटाफट से गाइस, ठीक है ना, उसको मैंने भेज दिया है, हमारी जो बुलेट प्रूफ कार है ना उसमें भेज दिया। अभी हम लोग इधर यार गाइस अटक चुके हैं, बट कोई ना हमारे पास NSG सिक्योरिटी तो है, बट इनकी ना बैंड बजा नहीं सालों। एक सेकंड ही तो और आते जा रहे हैं भाई, ये भाई इतने नहीं है और भी लोग हैं भाई, कोई ना, बट हमारे NSG सिक्योरिटी इनका काम ख़त्म कर देंगे, वैसे तो कोई बात नहीं, अगर और आते ना भाई इनकी बैंड बजा देंगे सालों की, नहीं कोई बात नहीं भाई। इनके पास भी वेस्ट साला मर ही नहीं रहा, देख रहे हैं भाई इनके पास भी वेस्ट प्रोवाइड कर दी, इतना मार रहा भाई, मारो यार फटाफट से मारो NSG वालों, क्या कर रहे हो। चलो यार कोई बात नहीं यार, स्कैम हो चुका है बिल्कुल यार, इतना बढ़िया वाला स्कैम है, इनका ना बैंड बजानी पड़ेगी यार। एक सेकंड भाई ये SPG के बाद कहाँ से आ गए, वेट ये डगन बॉस की SPG सिक्योरिटी है भाई, भाई इसकी फैस की आग। एक सेकंड गाइस मुझे गन निकालनी पड़ेगी यार, गन मिल जाए फटाफट से, चल तू भी गया भाई। SPG सिक्योरिटी कहाँ से आ गई, ये डगन बॉस की सिक्योरिटी, फटाफट से निकलना पड़ेगा भाई, ज़्यादा ही हो चुका है, निकलना पड़ेगा। हमारे NSG के बंदे मर रहे हैं, गाइस देख रहे हो, वेट यार हमारे सारे NSG के बंदे मर चुके हैं भाई यार गाइस, कैंप भाई साहब, ये SPG प्लस पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी है मार्टिन की भाई। निकलना पड़ेगा भाई, मेरी तो वैसे गाइस बुलेट प्रूफ कार है, तो इसलिए मैं इधर से आ चुका हूँ अभी ना, फटाफट से मुझे कॉल करना पड़ेगा यार गाइस हमारे AI सिक्योरिटी को। भाई SPG सिक्योरिटी को सिर्फ एक ही सिक्योरिटी हरा सकती है, वैसे NSG भी हरा सकती है, बट गाइस
मैंने AI को बोल के रखा था AI वाली सिक्योरिटी को जल्दी से इधर आ जाना, वो भी रास्ते में होगा, फटाफट से मैं कॉल, मतलब उसको कॉल तो नहीं कर सकते, कमर दे देंगे, फटाफट से कॉल से ना मैसेज भेज देता उसको मैं। एंड वैसे वैसे ना वैसे वो आते होंगे, वैसे स्पीड तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुकी है भाई, खतरनाक वाली। तो चलो यार गाइस, तो यार अभी ना मैंने इसको कमांड दे दिया है, वो कभी भी हमारी AI वाली सिक्योरिटी आती होगी एंड उसका ना बैंड बजाती होगी। यार गाइस मतलब यार लोड हो चुका है यार ये, मतलब यार धोखा कर दिया मार्टिन ने यार, ये डक्कन पॉस क्यों आ रहा है बीच में यार, वैसे डक्कन पॉस और मार्टिन मिले हुए, बट चलो मैं एक काम करता हूँ, इधर वेट करता हूँ एंड ना गाइस देखते हैं क्या सीन है, कब तक आती है हमारी AI वाली सिक्योरिटी। और भाई अभी ने इनके SPG वालों को बैंड बजाना पड़ेगा भाई, ये टक्कर बॉस क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है। सो यार लग रहा है ना गाइस हमारा जो AI वाला रोबोट है ना, मैं इधर देख रहा हूँ मेरा गाइस फ़ोन के अंदर, और वो इधर नज़दीक आ चुका है क्योंकि मेरा AI वाला रोबोट है वो फ़ोन से कनेक्ट है, तो मैं फ़ोन के अंदर देख रहा हूँ। ओ भाई फायरिंग शुरू कर दी भाई इसने, ओह भाई साहब यहाँ पे SPG वालों की बैंड बजा दो भाई पूरी की पूरी, SPG वाले दिख नहीं रहे इधर कहाँ चलेंगे, लग रहा है ना मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ये लोग। भाई साहब गाइस गजब है गाइस, सबकी बैंड बजने वाली है भाई, सबकी बैंड बजा दो भाई, खतरनाक है भाई, भाई क्या ही मार रही है सिक्योरिटी यार गाइस गजब है यार, AI इज OP गाइस, भाई साहब को देख रहे हो ना भाई, एक सेकंड में कितने लोग मर रहे हैं, 5-6 लोग मर रहे हैं गाइस, मैं सारा का सारा वीडियो के अंदर देख रहा हूँ फ़ोन के अंदर, क्योंकि मेरा AI ये वाला रोबोट कनेक्ट है भाई, गाइस सबको मार रहा है ये, क्या ही बोले भाई, गजब है गाइस गजब है भाई, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, कुछ सेकंड भी लग नहीं रहे भाई, AI सिक्योरिटी का सिर्फ एक ही रोबोट काफ़ी है भाई। तो आप लोग बताओ इस वाले को हम लोग मॉडिफाइड करें कि नहीं गाइस, हम लोग इसमें बैठ के खुद मैनुअली इसको चलाएं कि नहीं, आप लोग बताओ मेरे को चैट में, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं गाइस, मतलब हम लोग ऐसा कर तो कर सकते हैं बट आप लोग बताओ चैट में, हम लोग इसको मॉडिफाइड करके ना कुछ मैनुअली, मतलब AI से खुद से मतलब इसको कर देंगे भाई, क्या ही चीज़ें देख रहे हो ना गाइस, मतलब भाई गजब है यार गाइस, बहुत ही गजब वाला सीन हो चुका है एंड गाइस गजब है भाई, देख रहे हो ना क्या ही सीन है भाई गजब, ओपी गाइस सबको ही मार दिया कुछ सेकंडों में, जस्ट कुछ सेकंड में सारा का सारा गेम ओवर कर दिया, और हमारे NSG के लोग भी मैंने भेज दिए थे वहाँ पर, और मैं जस्ट देख रहा हूँ एंड गाइस गजब है भाई, मतलब मज़ा आ चुका है। वेट गाइस लग रहा है सबको मार दिया है, मुझे उधर आना पड़ेगा गाइस, भाई कुछ सेकंड भी लगे नहीं यार, मुझे लगा और लंबी फाइट चलेंगी बट इतना जल्दी ख़त्म कर दिया ना सबको, क्या ही बोलूं भाई यार गाइस, और भी कुछ लोग हैं क्या उधर भाई साहब, और भी कुछ लोग हैं भाई, ये लोग आते जा रहे हैं मरते जा रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं गाइस, सबको हमारी AI वाली रोबोट सबको मार रहा है, मज़ा ही आ चुका है गाइस। सो यार देखो मैं इधर आ चुका हूँ एंड पे, देखो इधर ना Amanda भी यहाँ पर ही थी एंड देखो Amanda को मैंने बोला था जाने के लिए बट वो इधर ही कहीं वेट कर रही थी, मतलब वो कह रही थी देखो यार मैं ऐसा तुमको छोड़ के जा नहीं सकता, मतलब ठीक है ना यार चलो कोई बात नहीं, पता नहीं यार क्यों नहीं, मैं बोला चले जा सेम पट इधर ही थी। सो यार AI OP लगा देना चैट के अंदर, पर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो चौथा चेक पॉइंट AI OP लिख देना, और भाई सब कुछ तहस नहस भाई कुछ ही सेकंड के अंदर, अभी तो पूरे इसके जो फीचर्स भी इनेबल नहीं है, मतलब सिर्फ इसका ना एक या दो ही फीचर इनेबल है, मतलब और भी इसके पास बहुत सारे पावर्स अलग अलग हैं, बट मुझे प्रेसिडेंट ने उसको अनलॉक करके नहीं दिया है, बोला है कि वो तुम यूज़ करोगे ना भाई ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा एंड भाई कुछ भी हो सकता है, सिस्टम इसका क्रैक भी हो सकते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो इसमें अभी सिर्फ दो ही फंक्शन अवेलेबल है इसमें गाइस, रॉकेट्स एंड इसके जो खतरनाक वाले बुलेट्स हैं ना भाई, इतने खतरनाक वाले फायरी बुलेट्स, पता नहीं कौन से बुलेट्स हैं इतने फायरिंग वाले। एंड एक सेकंड हमारा रेड निंजा कहाँ चला गया, वेट रेड निंजा कहाँ चला गया, वेट रेड निंजा ढूंढो यार, रेड निंजा किधर है, इसकी भैंस की आखिर रेड निंजा है कहाँ पर, गाइस रेड निंजा मुझे दिख नहीं रहा यार भाई, रेड निंजा अभी इधर फाइट कर रहा था ना मेरे साथ में, ये क्या स्कैम है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, AI रोबोट तूने कहीं पता नहीं यार गाइस, भाई रेड निंजा कहीं किसी ने देखा ही नहीं है मुझे लग नहीं रहा यार, मैं इधर देख रहा हूँ आसपास भाई, आसपास होने चाहिए, जिंदा तो है ना, वैसे मरता तो नहीं भाई, खतरनाक फाइटर है भाई यार गाइस, पता नहीं यार यार मुझे नहीं पता गाइस रेड निंजा कहाँ चला गया यार गाइस, कहाँ फंस चुका है भाई, फाइट तो वैसे बहुत लंबी हुई थी, मतलब वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे आई थिंक मेरे को बचाने के लिए, मेरे पीछे तो नहीं आ गया ना, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया ना मेरे पीछे बहुत सारे लोग आए थे, एक सेकंड यहाँ पे रेड निंजा और भाई ट्रेवर क्या कर रहा है भाई, ट्रेवर वैसे हमारा दुश्मन था गाइस बट हमने ना उसको माफ़ कर दिया था,
फिर वो बोला कि मैं ऐसा कभी काम नहीं करूँगा। एंड भाई वो इधर आ चुका है, वो कह रहा था मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, बट मैंने उसको मना कर दिया था। मैंने बोला मैं तेरे को टीम में नहीं लूँगा, बट यार इसने अभी मेरी, एंड ये कह रहा है रेड निंजा कह रहा है कि इसने मेरी जान बचाई है। ओ भाई साहब गाइस, ये तो गाइस ओपी हो गया। एंड भाई चलो यार अभी ना गाइस रेड निंजा यार ठीक है यार, ऐसे कैसे फंस गया तू भाई। चल यार ट्रेवर वेरी वेरी थैंक्स यार, अभी ना तू कल से मेरे साथ काम कर सकता है एंड हम लोग बढ़िया वाले काम कर सकते हैं। तो चल यार ठीक है भाई, चल रेड निंजा ठीक है यार, तुम ना सारे सिगरेटे कमा दे दो हमारे एनएसजी वालों को एंड सबको घर भेज दो उससे पहले कुछ और हो जाए। एंड यार चलो यार ट्रेवर वेरी वेरी थैंक्स फिर से तेरे को, इतना बढ़िया काम किया ना तूने, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ट्रेवर रेड निंजा की जान बचा ली भाई, बोल रहा है कि पूरा घेर के रखा था भाई। भाई ठीक है यार बहुत बढ़िया काम कर दिया ट्रेवर ने। एंड भाई ट्रेवर के लिए एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना। और यार फटाफट से ना गाइस एक काम करते हैं, मैं इधर से निकल जाता हूँ अभी ना भाई, ज़्यादा ही हालत ख़राब हो चुकी है भाई, दिन भर फाइट कर करके ना गाइस अभी बहुत सारे काम भी करने हैं हमको, बट मुझे लग नहीं रहा वो काम हो पाएंगे। अभी माइकल तो बहुत थक चुका है यार, अभी ना गाइस क्या ही मिले। तो यार फटाफट से हमको लोकेशन निकलना है एंड अभी डगन बॉस का प्लान करना पड़ेगा और मार्टिन का सबसे पहले गेम ख़त्म करना पड़ेगा। अभी मुझे वाई सी टी जाना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूँगा अभी वाई सी टी में जाने का प्लान है। और लेस्टर भी मुझे ना बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है कि देखो तुम आजकल ना मेरे पास आते नहीं हो, अभी तुम्हारे पास पावर आ चुकी है। तो यार हम लोग बहुत कुछ करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना एंड तब तक के लिए गाइस सभी को बाय बाय।